हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शिबा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी हक्का नूडल्स, जिसे हम आज घर में बनाएंगे। और मैं बना रही हूं पनीर हक्का नूडल्स। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पतीली में पानी ले रखा है लगभग 1.5 लीटर, और अब इसमें बॉयल आने लग गया है, देख सकते हैं आप। और हम इसमें अब डाल देंगे एक पैकेट नूडल्स। तो इसमें हम डाल देते हैं पूरा, और इसे हम अच्छी तरह से डुबो देते हैं ताकि ये अच्छे से भीग जाए। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक, बहुत सारे व्यूअर्स की ये एक शिकायत होती है कि जब हम अपने नूडल्स बॉईल करके रखते हैं स्ट्रेन करके, तो हमारे नूडल्स आपस में चिपक जाते हैं। तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि इसमें 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दें। तो जब हम इसमें ऑयल डाल देंगे तो इसकी ऑयल की वजह से ये आपस में चिपकेंगे नहीं, इसमें एक कोटिंग हो जाएगी ऑयल की, जिससे ये चिपकेंगे नहीं आपस में। बहुत नूडल्स हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम कुछ इस तरह के स्ट्रेनर में इसे डाल के छान लेंगे, और फिर इसे हम रनिंग वाटर में एक बार धो लेंगे। और अब हम इन्हें थोड़ा सा खोल के थोड़ा सा इसे इस तरह से लूज कर लेंगे ताकि आपस में चिपके ना। तो ये पूरी तरह से मैंने खोल दिए हैं, एकदम अलग अलग हो गया इसका एक एक स्ट्रेन। यहाँ हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिसमें हमने अपने नूडल्स तैयार कर लिए हैं बॉईल करके, और तमाम वेजिटेबल्स भी मैंने कट कर ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे गार्लिक ली है 4 से 5, जिसे चॉप किया है। ये एक मैंने अनियन ली है, इसे भी मैंने इस तरह से चॉप कर रखा है। और मैंने ली है यहाँ पे कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट, सब चीज़ों को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल इसे श्रेडेड कर लिया है, बहुत बढ़िया ये श्रेडेड हुआ है। यहाँ मैंने पनीर लिया है, इसे भी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। तो आइए अब हम अपना हक्का नूडल्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, और इसमें मैं डाल देती हूँ पनीर। पनीर को मैंने कुछ इस तरह से लंबाई में कट किया है, देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने इसे कट किया है। तो इसे हम सबसे पहले डाल देंगे। दो मिनट के लिए इसे हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है, और इसे हम फिर बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी सेम ऑयल में ही डाल देंगे अपने गार्लिक, कुछ सेकंड्स के बाद हम डाल देंगे इसमें अपनी ग्रीन चिली, इसे भी हम हल्का सा सॉटे करेंगे। और अब हम डाल देंगे अपनी अनियन, इसे भी हमें बस 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अब हम डाल दे रहे हैं अपनी वेजीज, जिसमें हम सबसे पहले डाल रहे हैं अपनी कैरेट, और साथ में डाल रहे हैं हम अपनी कैप्सिकम। और अब हम लास्ट में डाल देते हैं अपनी कैबेज, यानी हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए, हमें बहुत ही कम टाइम के लिए इन्हें कुक करना है, ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए, बस इसकी क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए। तो बस हमें बहुत हल्का सा इसे सॉटे करना है। अब हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस हम लेंगे 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हम डालेंगे विनेगर, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। इसे और टेस्टी बनाने के लिए आप डाल सकते हैं अजीनोमोटो, लेकिन मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और अब हम डाल देंगे इसमें अपने नूडल्स। अब
हमें हाई फ्लेम पर इसे पकाना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब हम डाल देंगे इसमें अपने पनीर। तो देखिए कितनी शानदार हमारी हक्का नूडल्स बनके तैयार हो गई है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।